अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही, आज एक सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ। और रेसिपी है मेरी बैंगन की सब्ज़ी। तो बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर प्याज हसब ज़रूरत, जितनी मेरे पास बैंगन है उस हिसाब से मैंने प्याज ले ली है। और प्याज को बहुत छोटे उसमें ना कट कर दिया है, बिल्कुल चॉप कर दिया है प्याज को। तो बस उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई इतना करेंगे प्याज को फ्राई के वो थोड़ी सी क्रम कच्चापन जो है उसका वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ बैंगन मैंने काट लिए हैं, बैंगन के छिलके उतार दिए हैं। और उसके बाद बैंगन को अच्छे से चेक करके कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है इसके अंदर, और फिर उसको बैंगन को क्यूब की फॉर्म में काट लिया है, पानी में डाल दिया कि जितना आयरन निकलना है निकल जाए। प्याज हल्का सा ब्राउनिश होने से पहले ही पहले उसके अंदर मैंने इस अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया और इसको मैं हल्का हल्का भून रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब जाएगा टमाटर की प्यूरी। टमाटर दो तीन टमाटर लिए थे मैंने और उसका पेस्ट बना लिया था। मैं ज़्यादातर टमाटर पीस के इस वजह से डालती हूँ कि जब भी खाना पके तो वो भुना हुआ प्रॉपर नज़र आए, फिर सब चीज़ें नज़र आती हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैंने गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून, कुटी मिर्चें डाली हैं 1 टीस्पून, और नमक डाला है, और इसके अलावा हल्की सी हल्दी डाली है। ये तमाम चीज़ें डाल के इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। मसाला जब भुन जाएगा इसमें, अच्छा मैंने हरी मिर्चें भी ले ली हैं। ये मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, जितना भी आपको कम या तेज़ खाना है। मैं नॉर्मल मिर्चें रखती हूँ खाने के अंदर ताकि आसानी से खा लिया जाए। तो इसमें मैंने हरी मिर्चों में कट लगा के हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अब ये अच्छे से सारा मसाला भून रही हूँ जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो बस भूनते हैं इसको अच्छे से। ओके जी, देख सकते हैं अभी इसके अंदर मैंने अच्छा सा मसाला भून के बैंगन को ऐड कर दिया है और बैंगन हम पकने लगे हैं। बैंगन के अंदर कोई पानी नहीं डालना है आपने, इसके अंदर पानी खुद होता है। तो ये जैसे ही आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जब डालेंगे इसको तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे दम कर दिया था। अब ये देखें, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट हो गए कि इसीलिए ये चमचे से टूट रहे हैं। तो ये और अच्छे से पकेंगे, एक तरह से बिल्कुल एक भुरते स्टाइल में हो जाएगा। तो तब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। जी जनाब, ये अच्छे से बन गए हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसे भून लिया है और फिर इसके ऊपर एक अच्छा सा भगार लगाया। भगार के लिए आपने चीज़ें देख ली हैं। मैंने भगार में डाला है साबुत मिर्च, ज़ीरा और मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें भगार में करके और भगार ऊपर से दे दिया और आपके सामने ये रेडी हो गई है। डिनर का टाइम हो गया है, तो आइए सब डिनर करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह।